हेलो हेलो हेलो, यस यस यस। क्या आप मुझे देख पा रहे हो? सभी बता दो हाँ, आगे बढ़े। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पीवीआर स्टडी में। उम्मीद करते हैं कि सब कुछ बढ़िया है और मेरी आवाज सभी को अच्छी आ रही है और चल रहा है। एक बार सभी हाँ बोल दें। यस यस, सब बढ़िया है, चले। ये कौन सा लाइव हो गया यार? ये बेसिक मैथ वाला नहीं हुआ क्या? उल्टा हो गया, गजब धोखा हो गया, गड़बड़ हो गया। अब नोटिफिकेशन भी इसका चला गया तो मुझे इसी पढ़ाना इस बार पड़ेगा। मेरी एडवाइस लीजिए, घर लाइए, टुमला बात चार्जिंग लिंक उसका शेयर किया गया था। अगर मैं इसको नहीं चलाता हूँ तो नोटिफिकेशन यूट्यूब देगा नहीं अगली क्लास का, तो मुझे इसको चलाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसी में पढ़ाते हैं। हमें 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। सभी साथी आ जाइए फटाफट। तो मैं क्या करूँ, पहले डीएलएड चला देता हूँ। ठीक है, आप पहले डीएलएड ही चला देंगे और बेसिक वाला आप चलेगा बाद में, क्योंकि उल्टा हो गया। माफी चाहते हैं, जो सेशन स्टार्ट होना था वो वाला नहीं हुआ, ये डीएलएड वाला हो गया। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, आ जाएं सभी। थोड़ा सा सब्र रखें, थोड़ा सा सब्र रखें, चलेगा। ठीक है, थोड़ा सा रुकिएगा। बेसिक वाला हम चलाएंगे अभी इसके बाद में। ठीक है, ठीक है भैया लोग, चलिए आज क्या पढ़ेंगे? डीएलएड वाले में क्या चल रहा था? मेरी आवाज सभी को आ रही ना? डीएलएड वाले में क्या चल रहा था? रिवीजन चल रहा था ना? यस। मैथ का रिवीजन चल रहा था ना? और कल क्या क्या पढ़ा था? टाइटल है 20 डेज में रिवीजन, प्रथम सेमेस्टर का कंप्लीट मैथ्स रिवीजन ना। साथियों, रोमन अंक में स्टार्ट किया था। स्टार्ट तो मैं क्या किया था, खत्म कर दिया था। मुझे बताओ सबसे पहले, संख्या 81 को रोमन अंक में बताओ। 81 को रोमन अंक में कैसे लिखेंगे, बताइए। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, पढ़ाना तो पड़ेगा इसी को। उल्टा हो गया, जाने दीजिए, कोई बात नहीं, छोड़िए अब बातें खत्म। आइए, 81 को रोमन अंक में कैसे लिखेंगे? कमेंट सबका आ रहा है, प्रकाश जी कमेंट आ रहा है, सोयब, हेमंत, सूरज, सबके कमेंट आ रहे हैं। भाज्य अभाज्य संख्या भी पढ़ा था, यानी नंबर सिस्टम भी इसमें खत्म ही हो गया था लगभग। तो इसमें बताओ, भाज्य संख्या है, चलो 97, 91, 101, इसमें भाज्य संख्या कौन सी है? कंपोजिट नंबर। जवाब दीजिए फटाफट और मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। मैं जो है अगली जो क्लास है उसके जो है थोड़ा सा सिस्टम मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। बताइए, एक अगला सवाल सुनिए, सभी बच्चे फटाफट जवाब दीजिए। ये बताइए कि 872 क्या ये संख्या 5 से कंप्लीटली डिवाइड है या नहीं? अगर नहीं तो क्यों, इसको देख के आप बता सकते हो क्या? बस मैं आया, थोड़ा सा रुक जाओ। आइए, मेरी आवाज आ रही ना? बढ़िया है, चले। ठीक है, तो
साथी मेरे, बोर्ड मास का नियम कल शुरू किया था वो तो आपने पढ़ ही लिया था, और इसको ऐसे पढ़ाना चाहिए बोर्ड मास का नियम फिलहाल। तो एक सवाल लिखिए, बोर्ड मास का नियम लिखिए। वक्त लग जाता है कभी कभी। लिखिए पहला क्वेश्चन, लिखिए 13 माइनस 8 गुणा 2 धन 3 का मान बताइए। यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आसान आसान, बहुत हाई फाई नहीं आते हैं। चलिए जल्दी जवाब दीजिए, कितना आएगा? जल्दी करें। सक्षम यादव जी, वेरी गुड। प्रियांशी, मम्मी का मगरमच्छ। चलो आइए, इसका मान क्या होगा पता है आपको? बहुत सिंपल है, बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रेकेट हल करेंगे। तो 13 माइनस इनका गुणा करोगे 16 धन 3। पहले प्लस वाले होते हैं नियम के अकॉर्डिंग, तो 13 3 16 -16 = 0। कितना आएगा? शून्य आएगा। ठीक है, कल मैंने भिन्न स्टार्ट किया था यार ना, डीएलएड रिवीजन में कल मैंने फ्रैक्शन स्टार्ट किया था। मैंने ये बताया था कल कि भिन्न क्या है ना, बताया था ना। जैसे मान लीजिए एक सर्कल है या एक लड्डू है, मान लो इनके इस तरीके से भाग किए गए 1 2 3 4 5 6 7 8, इनके 8 भाग किए गए, ठीक है, समझना। अब 8 में से अगर हम कहें कि इसमें से 2 भाग जो है वो वाइट कर दिए गए, तो ये बताओ ये व्हाइट वाला जो 2 भाग है इनको भिन्न के रूप में कैसे लिखोगे, कैसे दिखाओगे, बताओ। ये भिन्न का रूप है, बताइए। इनके 8 पार्ट थे जिनमें 2 पार्ट को व्हाइट कर दिया गया है, तो व्हाइट वाले भाग को भिन्न के रूप में कैसे दिखाओगे, बताइए। राधाचरण मीना, आइए देखिए, समझिए, बहुत इजी है भाई साहब। ये 5 वाला भाग था, ये 2 वाला था, इनको अगर कलर चेंज कर दिया गया तो क्या हुआ पता है तुम्हें? टोटल पार्ट कितना था 8, वाइड कितना किया गया 2, तो 2/4। इनको सिंप्लीफाई करोगे 1/4, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये चीज दिखानी है जो हमने बना रखा है, तो इसको हल नहीं करोगे नीचे वाला, ठीक है। भिन्न के रूप में अगर दिखाना है इस फिगर के अनुसार, तो आप इनको कट नहीं करोगे, आप इनका आंसर यही लिखोगे, ठीक है, हल नहीं करोगे आगे। तो सभी भिन्न के बारे में तो समझ गए ना, भिन्न क्या है? भिन्न एक ऐसी संख्या जो किसी संख्या या वस्तु के किसी एक निश्चित भाग को दर्शाती है, ठीक है। थोड़ा और कुछ समझना इसमें, जैसे क्वेश्चन लिखा संख्या 60 का 1/2 बताओ क्या होगा, साठ का 1/2 क्या होगा बताइए, 60 का 1/3 क्या होगा, मतलब समझ लीजिए ना, एक सबका 60 का 1/3 क्या होगा, एक चौथाई बताओ, जानते हो ना ये सब क्या चीज है, सबको पता है। वेरी गुड, चलो देखो, अच्छा है, अच्छा है भैया, अच्छा है। चलो देखो, अगर 60 का हम 1/2 की बात करें
तो साथ ही मेरे इधर साइड में हल करोगे तो 60 गुणा 1/2 ये हो जाएगा 30, फाइनल में 30 आएगा। अगर हम 60 का 1/3 की बात करें तो ये भी कुछ वैसे होगा, 60 गुणा 1/3, 3 से काटोगे 20, बराबर कितना आएगा 20। ठीक, बढ़िया। 60 का 1/3 की बात करें तो 60 गुणा 1/3, तिहाई का मतलब ही वही हुआ 20। 1/4 का मतलब 1/4 ऐसे होगा, 20। तो ये थी कुछ साधारण सी बातें जो लगभग बोली जाती हैं जिंदगी में। ठीक है, बढ़िया। ये डीएलएड वालों का ही क्लास चल रहा है, बेसिक मैथ आज उल्टा हो गया है, बेसिक की जगह डीएलएड, डीएलएड की जगह बेसिक, क्योंकि गलती से ये क्लास चल गई थी। ठीक है, चलिए मैं बंद भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि यूट्यूब के कुछ कारण है, तो ये समझ गए। आइए आगे, चलो भैया। तो आपको टॉपिक चल रहा था, क्योंकि हम 20 दिन में आपका कंप्लीट रिवीजन करवा रहे हैं, टॉपिक आपका भिन्न चल रहा था, फ्रैक्शन। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले फ्रैक्शन छोटी बड़ी, बाद में पहले जोड़ना सीख लो, भिन्न का जोड़। सिखाना सब है एक तरफ से ना, भिन्न का जोड़, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, चलिए पहला, जब हर समान हो, जब हर समान हो, देखो कैसे, ये चीज तो सबको पता है ना। यहाँ पे देखो थोड़ा सा, जैसे 5/7 लिखा तो जो ऊपर का अंक है इसको अंश बोलते हैं, सबको पता है ना, इतना छोटा इसको अंश बोलते हैं, जो नीचे की गिनती होती है इसको हर बोलते हैं, इसको इंग्लिश में न्यूमरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? न्यूमरेटर। इसको डेनोमिनेटर, क्या बोलते हैं? डेनोमिनेटर। ठीक है, इतना सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं बिल्कुल शुरू से, इसमें कुछ हाई फाई नहीं करेंगे, सिलेबस के अनुसार चलेंगे आराम आराम से। चलो, तो जब हर समान हो, जैसे 3/7 धन 4/7, देखिए इसमें हर हर बराबर है 7/7, तो आगे की लाइन में एक बड़ी लाइन खींचते हैं, उसके नीचे 7 लिखते हैं, ऊपर इनके बीच में प्लस का साइन है तो ये ऐसे प्लस लग जाएगा, फाइनल में 7/7 आंसर होगा। इन्हें सिंपलीफाई करोगे 1 आएगा। तो ये क्या था? भिन्न का जोड़, जब हर समान हो। कोई दिक्कत नहीं किसी को, आगे चले। तो ये छोटी छोटी चीजें तो आपको ऐसे पता होंगी, जैसे देखो अभी एक 4/5 धन 7/5, दुई अंक कर लो पहले। आइए आगे हल करते हैं, एक बड़ी लाइन खींचेंगे, नीचे 5 लिखेंगे और 4 धन 7 है तो ये ऐसे 4 धन 7, ठीक है, बराबर 7 4 11 और ये 5, ये क्या हो गया आंसर? कोई दिक्कत? ये जब हर समान हो, अब इनको सबको आप लोग सभी कर लोगे, है ना भैया, कर लोगे तो बताओ क्या आएगा। कर लोगे ना?
उमेश पाल कमेंट आ रहा है, आओ चलो, जब हर आसमान हो। जब हर समान ना हो, देखिए जैसे बहुत छोटा सवाल लेंगे, 3/7 धन 8/5। देखिए हर और अंश दोनों असमान है, अलग अलग है, तो क्या करेंगे? इसका दो तरीका, एक तो एलसीएम ले लीजिए और एक इनका तिरछा गुणा करके करिए, ठीक है? तो पहले मैं एलसीएम वाला बताऊंगा। अंश का एलसीएम लेंगे तो 7 और 5 का एलसीएम आएगा 35। 35 को ऐसे बड़ा सा लिखेंगे, ठीक? 35 में 7 का भाग करेंगे 5 आएगा, 5 का 3 में गुणा करेंगे तो 15। उसी तरह से धन 35 में 5 से गुणा करेंगे 7, 7 8 56। कोई परेशानी नहीं ना? 6 5 11 के एक हाफ ही लेग, 5 1 6 1 7, तो ये कितना हो गया? 71/35। बोलो, समझ में आया सभी को? हाँ, फट से लिखो लिखो जल्दी, ये भिन्न का जोड़ ही तो है। चले आगे बढ़े। चल भैया, रेडी? ये बढ़िया है, आगे चलें। एक और क्या इसमें सकेतन संध्यान करेंगे? चलो बताओ, जब 18/11 धन 12/10 इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा? नीचे इंक्वायरी के लिए नंबर दिया गया, जो बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे हैं उस पे संपर्क करिए, यहाँ पे नहीं बोलेंगे। इनका दोनों का एलसीएम लीजिए, क्या आएगा? 110। 110 में भैया बाबू जब 11 से गुणा भाग करोगे तो क्या आएगा? 10 आएगा ना, 10 का 18 में गुणा होगा 180 प्लस। अब एलसीएम में 10 से भाग करिए, 110 में 10 से भाग करेंगे तो 11 आएगा, 11 का 12 में गुणा करो तो 11 2 22, हाँसी लाया एक, 11 कम 11 11 1 12, ठीक है? कोई डाउट? इनको जोड़िए, 2 2 में 8 जोड़िए 10, हाफिल 1 1 1 2 1 3, कटेगा ना ये 2 से, 2 1 कम 2 2 5 10 2 1 कम 2। आप बताइए क्या इनका और कुछ हो सकता है इसके आगे? कुछ हो सकता है क्या इनका और आगे? 312 आ रहा है किसी किसी में, क्या बात है भाई? 0 में 2 जुड़ेगा तो 0 0 में 2 जुड़ेगा 2, ठीक है? 2 में 8 जुड़ेगा 10, हाफिल 1 और 1 1 2 1 3, सही तो है यार, 302 आएगा। ये 180 है लिखा हूं यार, भैया 180 लिखा हूं मैं, थोड़ा सा कम जाना ही पड़ रहा है। एक सौ अस्सी गलत कहा हुआ यार? ठीक है, आगे चले, सही है, कोई दिक्कत नहीं। जो लोग गलत लिखे हैं उनका गलत है, भगाओ उनको, मार के भगाओ, गिर्राक भगाओ। जो 312 लिख रहे हैं उनका पूरा गलत है, गधैया गोल वाले हैं वो।
आइए इस तरीके के फ्रैक्शन आप कर लेंगे साथियों। जब आई से दिया हो, इनके हर जो है असमान हो तब क्या होगा, और तीन या तीन से अधिक पद हो। हाँ बताओ कैसे, तब भी इनका क्या करेंगे, एलसीएम ही करेंगे। करके देखो, अब हर जगह जो एलसीएम है वो इनका गुणनफल ही नहीं होगा, और भी हो सकता है बहुत सारी चीजें, ठीक है, अलग अलग। तो क्या करेंगे, इनका एलसीएम हो जाएगा, सात से काटोगे तो ये सात सात सब कट जाएंगे एक बार में, पैंतीस आएगा ना, करके देखो पैंतीस आएगा क्या, पैंतीस आएगा कहाँ, देखो पैंतीस आएगा ना। कितना आएगा, पैंतीस, तो भैया पैंतीस में सात से भाग करोगे पांच आएगा ना, पांच का तीन में गुणा करोगे पंद्रह, वैसे पैंतीस में सात तो पांच आएगा, पांच का आठ में चालीस, पैंतीस में पांच से भाग करोगे सात, सात का तीन में गुणा करोगे इक्कीस। कोई दिक्कत नहीं, जोड़ लो एक में जीरो और फिर पांच, एक में शून्य जोड़ो फिर पांच जोड़ो तो कितना आएगा, छ, ठीक है, और चार दो छह और एक सात कितना हुआ, देखो दो चार छह एक सात कितना हुआ, सात ना, पहले कितना आया था, एक जीरो और पांच यानी छह आया था, तो 76 आएगा, इकसठ पंद्रह, इकसठ दस इकहत्तर, पांच 76, ठीक है। किससे कटेगा, ये नहीं कटेगा ना, कोई डाउट नहीं किसी को ना, कर लेंगे सभी, बढ़िया है। आगे चलें, यार मुझे भी ना आज बहुत नींद आ रही है, पता नहीं क्या बात है, कुछ तो है। तो ये तो था जब भिन्न के अंश और हर जो है वो क्या हो, अलग अलग हो और समान हो, जोड़ना हो गया। घटाने में भी ऐसे है, भिन्न का घटाना जब हर अलग अलग हो और इनसे क्या हो, हर अलग अलग हो और पहली भिन्न से दूसरी भिन्न छोटी हो, देखो हम जैसे 12/7 माइनस 8/11, कर लोगे सभी ना, कोई डाउट किसी को नहीं ना, कर लेंगे ना इसको, अब तो हो गया मुझे लगता है यार। देखिए आज जो है ना मुझे कुछ सही नहीं लग रहा ज्यादा, ये डीएलएड के सिलेबस में है, एकाध नंबर में ऐसे परीक्षा में आएगा, इसको हल्के में नहीं लेना, ठीक है। जिनको आता है उनके काम का नहीं है, लेकिन जिनको नहीं आता उनके बहुत काम का है। तिरछा गुड़ा वाला देख लो कैसे करते हैं, 11 का 12 में ऐसे गुणा करेंगे,
ऐसे इनको इसमें करेंगे, ऐसे इनको इसमें ऐसे करते हैं। तो 11 का 12 में गुणा करो, 11 दूना 22 का 2, हाँ फिर 2, 11 एकम 11, 11 दो 13, बीच में माइनस का चिन्ह, ठीक है, 7 8 56 और 11 7 77, बस ये तरीका है। ठीक है भैया, घटा लोगे ना, 132 से 56 घटा लो ऐसे, 12 में से 6 गया 6, 12 में से 5 गया 7, 76/77 इसका आंसर आएगा। डिंपल जी गुड इवनिंग, मेरी बात समझ में आ रही है? यस, कोई परेशानी किसी को? महिमा यादव, 3 बार गलत कहा है, 3 बार गलत। देखो कबो कबो ना बहुत तेज नींद आवा था भैया, पता नहीं क्या बात है, आजकल सोने वाले बीमारी है सबको। चलें आगे कर लेंगे। तो ये क्या था, भिन्न का घटाना। उम्मीद है कि आप भिन्न का घटाना भी सीख गए। तो अब हम क्या करें, भिन्न का जोड़ना। लिखो, भिन्न का गुणा, देखिए भिन्न का गुणा में क्या है, ये आसान है, इजी है, इसमें चाहे हर अंक बराबर हो या ना बराबर हो या कुछ भी हो, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। ऊपर का ऊपर में गुणा हो जाता है, 3 5 15, नीचे का नीचे में 6 7 42, बस यही मतलब होता है इसमें। ठीक है, कोई परेशानी किसी को नहीं ना। 3/7 × 5/6 हो गया, बढ़िया। तो इसी तरीके से साथियों ये क्या सीख रहे हैं, भिन्न का गुणा। इसमें एक चीज और समझ लेना अभी, क्योंकि मैं शुरू से सिखा रहा हूं तो थोड़ा तसल्ली रख के सीखो। जैसे अगर कहीं ऐसे दिया है, तो ऐसे में इनको पहले सरल कर लेते हैं तब इनको आगे कुछ करते हैं, जिससे आसान हो जाए। नीचे ऊपर भी डिवाइड हो सकता है, अगल बगल भी हो सकता है। तो पहले हम ऐसे करेंगे, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 8 एकम 8, 8 सत 56, यहाँ क्या बचा 1/1, यहाँ बचा 2/7, ये क्या है 1, गुणा करो 2/7 आएगा आंसर। कितना आसान था ना, हाँ? कोई परेशानी किसी को नहीं ना, कर लेंगे। तो आज की क्लास बहुत मुश्किल हो रही यार, भिन्न का जोड़ना घटाना गुणा आपने सीख लिया, वो चीजें सीख लिया, बहुत ही ज्यादा गड़बड़ हो रहा है। तो इसके आगे मैं क्या कहूँ, दस बजे अभी अगली क्लास चलेगी, हमारी कोशिश है, नहीं चलेगी तो हम आपको बताएंगे कल चलेगी, आज कुछ पर्सनल इशू है और मुझे बहुत नींद आ रही है, और कल रात में जो है यहाँ कुछ वायरिंग वगैरह हुआ था तो बहुत देर तक जगे थे, और मतलब मान लो कि सोए ही नहीं, सुबह भी नहीं सो पाए, तो फिर ये बात है। तो 10 बजे आगे चलेगी आज क्लास, अगर आगे चलाएंगे भी तो पता नहीं क्या बोल जाए, क्या लिखने, कुछ भरोसा नहीं, क्योंकि सोता हुआ इंसान क्या लिखेगा, है ना। तो रोज मैं आप लोगों को बताता हूँ, लेकिन आज मैं खुद ही मुसीबत में इसी हूँ। तो अगली क्लास चलेगी आपकी कल, और आज शुरू से उल्टा हो रहा है, क्योंकि 9 बजे जो है बेसिक चलना था, बेसिक की जगह डीएलएड चल गया, ये उल्टा हो गया, और उसके बाद फिर यही वजह से, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत थैंक यू। आज कुछ प्रॉब्लम है इस वजह से नहीं, कल मैं इसका डबल टाइम चलाऊंगा, कल कम से कम 1.5 2 घंटे पढ़ा दूंगा, ठीक है। हमारी कोशिश होगी कल डीएलएड वालों को दोपहरियम पढ़ा दिया जाएगा, दोपहर के टाइम में, ठीक है, सही रहेगा ना, और शाम को भी पढ़ा दिया जाएगा।
तो मैं कल कोशिश करूंगा जरूर, अभी शेड्यूल कर दूंगा क्लास। और हाँ एक चीज और इसमें बता ही देता हूँ, कोई भी ऐसे कैंडिडेट जो प्रयागराज में रह करके पढ़ाई भी करना चाहें और पार्ट टाइम जॉब करना चाहें वो संपर्क करें, ठीक है। पार्ट टाइम जॉब के लिए मेल कैंडिडेट की जरूरत है, नॉट फीमेल, और यहाँ पर रहना खाना उनको मिलेगा, व्यवस्था मिलेगी, साथ में उनकी योग्यता के अकॉर्डिंग सैलरी भी मिलेगी, ठीक है। टेक्निकल चीजें आनी चाहिए, देखो स्पेलिंग सही है ना, टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, जैसे वीडियो एडिटिंग, थंबनेल, फोटो एडिटिंग, टाइपिंग आदि, ये सारी चीजें, ठीक है। तो बहुत से कैंडिडेट होंगे जो यहाँ रहकर पढ़ाई कर सकते हैं और थोड़ा बहुत साथ में जुड़ेंगे तो और बेहतर होगा, ठीक है। तो नंबर पे संपर्क करिए, व्हाट्सएप पे, इस पे व्हाट्सएप करिए, इसी का स्क्रीनशॉट लेकर के, इसी का स्क्रीनशॉट लेकर के इस पे व्हाट्सएप करिए। ध्यान रहे कक्षा 9-10 वाले नहीं करेंगे, नहीं तो मैं कुछ बताता ना, कक्षा 8 वाले पहले भेज देते हैं। हाँ हम हैं भैया, यहाँ गेम नहीं खेलना बैठ के, ठीक है। ग्रेजुएशन के नीचे वाले नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, जरूरी है ये, इसीलिए मेरी मुसीबत है ये। यहाँ एक दो बंदे रहते हैं जो पर्सनल 24 घंटे, तब बहुत सारा काम आसान रहता है। अभी जो सब मैं झेल रहा हूँ ना, ये सब निपट गया होता तो मुझे काम बहुत ज्यादा पड़ रहा है इस समय, और ये काम की वजह से ना मेरा सिस्टम गड़बड़ हो रहा है। तो यहाँ पर अभी तक जो लोग थे, एक लोग छुट्टी में है और दो लोग की जरूरत एक्स्ट्रा बढ़ गई क्योंकि काम यहाँ ढेर सारा हो चुका है, ठीक है। थैंक यू, बाकी सारे काम तो ऑनलाइन आप लोग कर ही रहे हैं जो कर रहे हैं।